नए साल के आगमन की उल्टे गिनती की शुरुआत हो चुकी है। गिने चुने चंद घंटे बचे हैं, जिसके बाद 2012 बीत जाएगा और सभी दफ्तर तथा घरों में 2013 का कैलेंडर लटका नजर आएगा। नए साल के आगमन पर पूरा विश्व खुशियां मनाता है, लेकिन सबका तरीका अपना अपना होता है। मुंबई, नवी मुंबई तथा रायगढ़ के युवा वर्ग का अंदाज लगभग एक जैसा नजर आता है। कहीं पब में युवा वर्ग नजर आते हैं, तो कहीं शराब की पार्टियों में, और उसके बाद तेज रफ्तार से वाहन चलाते युवा वर्ग दिखते हैं, जिसका नतीजा पहले भी कई बार देखा जा चुका है। पर उन दुर्घटनाओं से युवा वर्ग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और फिर वही दुर्घटनाएं फिर देखने को मिलती है। इस प्रकार दुर्घटना का शिकार कोई ना बने, इसलिए पुलिस विभाग ने एक गाइडलाइन तय की है, जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है और साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसलिए नए साल की खुशियां मनाने से पहले इन बातों का अवश्य ख्याल रखें। देखा यह जाता है कि नववर्ष के आगमन पर युवा वर्ग जो है शराब पीकर तेजी से वाहन चलाते हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि कई सोसाइटियों में डीजे म्यूजिक बजाई जाती है और देर रात तक नागरिक जो है डांस कर रहे होते हैं और कई होटलों में भी इस तरह के चल रहे होते हैं कारोबार। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है? निर्देश तो वही है कि अगर जो रात को देर रात तक म्यूजिक सिस्टम या कुछ चलाते हैं तो उसको तो उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। रात को 10 बजे के बाद में किसी भी तरह का म्यूजिक डीजे उसकी परमिशन तो आपको कहीं भी मिलेंगी नहीं। दूसरी बात यह है कि ये मेरा अपील रहेगी कि कोई भी आदमी कोई भी पार्टियाँ तो करने में नववर्ष की आगमन की खुशियाँ मनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति शराब पीकर किसी भी तरह का मोटरसाइकिल या कार न चलाए। हाल ही में अभी हमने देखा है कि पाम बीच के एंड पे किला जंक्शन पे जो एक भयानक दुर्घटना हुई है, उसमें 3 युवाओं की मौत हुई है। तो यह सारी चीज़ें हमारे सामने अगर है तो यह हमें देखना चाहिए कि किस तरह से सुरक्षित रीतिया से हमें सफ़र करना है और स्पीड भी कम हो, इसका भी हमें ध्यान देना है। सर, अगर इस तरह का लोग कायदे का उल्लंघन करते हैं तो उन पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, 31 के दिन काफ़ी सारा बंदोबस्त हमने रखा हुआ है। यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस दोनों का काफ़ी सारा बड़ा बंदोबस्त है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीकर अपनी व्हीकल चलाता है तो उस पर उसको अरेस्ट हो सकती है और उसको कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। फिलहाल हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि खुशियां मनाएं, पर अपनी जिंदगी में दुर्घटना को जगह ना दे और ख्याल रखें आपकी खुशियां किसी के लिए तकलीफ देह ना हो। कर्नाला टीवी परिवार की ओर से हमारे सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं।